हेलो, जय माता दी। आप सभी मित्रों को निराला न्यूरोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे आप जानेंगे, काम में रुकावट जो कहीं न कहीं इन सभी लोगों के साथ होते आ रहा है। कभी कभी काम में रुकावट आना अलग है, लेकिन अगर बार बार रुकावट आ रही है तो कहीं न कहीं किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रॉब्लम है। काम में रुकावट क्यों आ रही है और अगर बार बार आ रही है तो इसका समाधान क्या है? तो आज काफ़ी विशेष दिन है और आज के दिन आप अपने काम में सभी रुकावटों की बाधा को आप दूर कर सकते हैं। और आज माता गौरी का आज दिन है, माँ अष्टमी का है, नवरात्रि का 8वें दिन है। आप सभी के ऊपर माता की कृपा बनेगी। बस सब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा आपको करना क्या है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल घंटी को दबाएं। आपको करना क्या है? करना है, एक आपको नारियल लेना है। आज जैसे नारियल का प्रसाद, नारियल से बना हुआ कुछ ही भोग आज माता को अर्पित करेंगे। एक नारियल लेना है पानी वाला सूखा, एक लाल चुनरी लेना है। और उसे क्या करना है, उस नारियल को लाल चुनरी में कपड़े में बांध के लपेटना है। फिर उसके ऊपर क्या करना है कि लाल कलर से ही, लाल मोली हो, रोली हो या सिंदूर लाल हो, आप दोनों से किसी भी चीज़ से आप उस पर जो है ना 9 टीका लगाना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको 9 टीका लगाना है, बिंदी जैसा तिलक देना है। और लाल जो कलावे जो होता है, जिसको हम मोली भी जो हाथ में बांधते हैं, उससे आपको बांधना है। कितने बार? 9 बार, 1 2 3 करके ऐसे 9 लपेटे देना। अब जो 9 बार आप अपने उसमें बांधना है, बांधने के बाद क्या आना है, कुछ मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। वो मंत्र है ओम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम वरदाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार करेंगे। नारियल वहाँ रखा रहेगा और आप देखेंगे नारियल के सामने जब ये मंत्र जाप करेंगे 108 बार, आप जितने माला कर सकते हैं, कम से कम 108 बार आपको एक माला करनी है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक माला 108 बार आपको ज़रूर करना है। और वो करने के बाद उस नारियल को, उस जो लपेटा हुआ कपड़ा में है, उसे क्या करना है, आप कोई भी मंदिर में जहाँ माता रानी का मंदिर हो वहाँ पे आपको संध्या वेला में आपको ले जाकर उनके चरणों में रख देना है। और आप जब मंत्र जाप करेंगे तो आपको मन ही मन माँ गौरी से प्रार्थना करना है कि हे माँ, हमारे सारे काम में जो रुकावटें आती है, बार बार जो रुकावटें, जो विघ्न आ रही है, वो सारा आप हर लो और सारे विघ्नों को आप दूर करो। और माँ से दिल से प्रार्थना करना है। आप यकीनन मानेंगे माता का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा आशा करते हैं आप करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगला वीडियो मेरा जल्द ही आने वाला है। कल है नवरात्रि, आप जानेंगे माँ का कल नौ स्वरूप के बारे में। कल का विशेष और बहुत ही खास दिन है। अगला नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए आप देखना न भूलें। थैंक यू। ओम शांति। जय माता दी।